हेलो जी, ये देखिए मैं आ गई हूँ मौसी के यहाँ। सॉरी, मौसी के यहाँ नहीं, मतलब गेस्ट हाउस में। मौसी जी की लड़की की जहाँ से शादी हो रही है, और बहुत सारे लोग ये देखिए पीछे बैठे हैं। और पता है मैं खाना वाना खा चुकी हूँ। पहले मैंने बोला था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन पता है पापा जाके ना सरप्राइज दे दिए, फिर आना ही पड़ा। पापा बोले कि चलो सारे लोग, मतलब वहाँ है, सब लोग खुश हैं, तो हम लोग भी आ गए। और मम्मी पापा सारे लोग इधर बैठे हैं, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था। अभी जनवरी का टाइम मतलब शुरू होने वाला है, बारात भी आ चुकी है, तो मैं सोच रही थी कपड़ा वगैरह चेंज कर लूँ जल्दी से, क्योंकि 5 मिनट लगेगा। जयमाला वाला सारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा, वहाँ बाहर थोड़ा चार्ज वगैरह नहीं लगता। मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा कम आएगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और बाहर जाने के लिए सारी तैयारी हो रखी है, और मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, तब आप लोगों से बातें होते हैं। और ये देखिए मैं तैयार होते ही फिर से वीडियो शूट करने लगी, और यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक हो रही थी मौसी की लड़की की। सब लोग बोले कि थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक हो जाए, उसके बाद ले चलते हैं जयमाले के लिए। और यहाँ पे देखिए भैया लोग फिर चुन्नी चार लोग पकड़ते हैं ना, उसके नीचे दुल्हन होती है, और ये घूंघट में है मेरी मौसी की लड़की, और ये सारी ऐसे मामी की मौसी की सारी लड़कियाँ हैं। और भैया लोग चारों तरफ चुन्नी वगैरह पकड़ के रखे हैं, और जयमाले के लिए सारे लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना धीरे धीरे चलना होता है। पता है मैं तो एकदम खुश थी, सारे लोग मतलब वहाँ पे खुश थे, मैं तो जाके बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर ना आती ना तो बहुत ज़्यादा शायद पछताना पड़ता, सारा यहाँ का जो मज़ा है वो मेरा किरकिरा हो जाता। मैं ना आती तो मतलब मेरा मज़ा किरकिरा हो जाता। सबका क्या है, सब इंजॉय करते आराम से आके। और वो देखिए ऊपर, और सारे लोग ना पता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मैं क्या बताऊँ। स्टेज पे जा जा के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ना, पता है मुझे तो बड़ा अजीब लगता है वहाँ पे ऊपर जाके फ़ोटो क्लिक करवाना। और सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, मैं तो नहीं गई इसी की वजह से, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन हो गया, जिसकी मतलब मन की बात है, जो खिंचवाना चाहता है आराम से जाके खिंचवाए। बहुत लोग खिंचवाते हैं। और अब वरमाले का टाइम शुरू हो गया, ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं, अब आप लोग मज़ा लीजिए। और वीडियो को ना अंतिम तक मतलब फुल वॉच करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगी आप लोगों को। तो वीडियो को फुल वॉच करने से पहले वीडियो को लाइक और साथ में चैनल वैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि देखने में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि भूल जाएंगे वीडियो को भी लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और वीडियो को इन्जॉय करिए। और ये जो दुल्हन के साथ में खड़ी है ना लहंगा वगैरह पहन के, ये उनकी सिस्टर ही हैं, उनकी सगाई थी इसी दिन। मतलब एक मौसी की लड़की की सगाई थी उसी दिन, और दूसरी बड़ी वाली की शादी थी, तो दोनों उसी में हो गया, एडजस्ट हो गया। और उनकी भी छोटी वाली जो है मतलब जिनकी सगाई थी, उनकी भी शादी होगी 5-6 महीने बाद, तो भी मैं आप लोगों के साथ हो सकेगा तो वीडियो शेयर करूँगी अगर जाऊँगी तो। भैया पीछे वाला पंखा थोड़ा बंद करा दो मिनट के लिए। भैया
और ये देखिए वरमाले का टाइम। और इसके बाद पता है आशीर्वाद देना होता है सारी रस्में ख़त्म करने के बाद। बहुत सारी रस्में होती हैं पता है उस टाइम पे ना। मेरी मौसी की लड़की ने बहुत ज़्यादा डरी हुई से लग रही थी। मौसी की लड़की नहीं, मतलब सारी लड़कियों का हाल होता है ऐसे ही, सभी बहुत ज़्यादा डरी होती हैं। तो ये लीजिए सारे लोग आशीर्वाद देने का टाइम आ गया। और पहले फर्स्ट टाइम में मतलब लड़कों की तरफ से सारे लोग दो दो करके आशीर्वाद, जिनको भी देना था वो दो दो करके आए और सारे देखे गए। और जयमाली की और वीडियो मैंने शूट नहीं की। और आइए मंडप वाली थोड़ी सी रस्में मैं दिखा देती हूँ यहाँ की भी। मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि ना पता है मुझे नींद आ रही थी। और शाम को पापा लोग छोड़ने आए नहीं, मैं जाते टाइम पापा बोले कि चलो शाम को छोड़ दूँगा, लेकिन पता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो ठंडा मौसम था। पापा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, हम लोग बोले कि ठीक है नहीं लौट के आएंगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो मज़ा आया था उस दिन और मैं सो गई थी बाद में। मैं बता रही हूँ आप लोगों से क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम था ना, फिर नींद भी आ रही थी तो मैं सो गई थी। और सारी रस्में मैंने नहीं शूट की है वरना आप लोगों को दिखाती। तो उसके बाद हम लोग ना सुबह सुबह घर चले आए थे। शादी से पता है अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मतलब कि शादी से हम लोग ना चले आए थे, शाम को नहीं आए थे क्योंकि ना पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और पापा सो गए थे। फिर भैया भी मतलब आलस में आ गए थे और भैया भी फिर सो गए, सब लोग इधर उधर बैठ रहे थे। फिर हम लोग ना सुबह होते ही जैसे सुबह हुई पापा उठे, पापा बोले घर चलना है, हम लोग बोले हाँ। फिर जल्दी जल्दी मैं और दीदी भैया बाबू चारों लोग घर आए। फिर भैया बाबू चले गए थे मम्मी पापा के पास, वहाँ पे जहाँ से मतलब गेस्ट हाउस में शादी हुई थी ना वहाँ पे फिर चले गए थे। और अभी ना पूरा घर ऐसे फैला है और सो सो के अभी 3-4 घंटे बाद सारे लोग उठे हैं क्योंकि वहाँ पे शादी विवाह का मतलब माहौल होता है, सोने ही नहीं मिलता। आप अगर सो भी जाएंगे ना तो नहीं सो पाएंगे क्योंकि डीजे वगैरह और बाजा वाजा मतलब बहुत इतनी ज़्यादा शोर होती है कि आप सो ही नहीं सकते। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।